संवत्सर 2021 की सभी माननीय गणों को बधाई शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है आर्य समाज किस तरह से हिंदू राष्ट्र को लेकर के आगे बढ़ता है, वहीं पे आज शुरू हो रहा है भारतीय नववर्ष को लेकर के। आज यहाँ पे 101 कुंडलिक महायज्ञ हुआ, पीछे स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सुबह जो है 7:15 बजे से महाकुंडलिक यज्ञ शुरू हो गया था, 101 कुंडलिक महायज्ञ हुआ है, जहाँ पे आज चैत्र के नवरात्र शुरू, आज पहला नवरात्र है और वहीं पे हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो भी आज शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे सभी लोग हैं तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, और जिस तरह से हिंदू नववर्ष आज शुरू हुआ है तो सभी हिंदुओं को किस तरह से जगाने का कार्य कर रहा है आर्य समाज, और आगे की क्या नीति रहेगी। तो हमारे साथ में राकेश महाना जी हैं तो उनसे हम बात करेंगे। तो सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल में, और हिंदू नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आप सबको भी शुभकामनाएं नववर्ष की। और आज चैत्र प्रतिपदा को यहाँ पे हमने 101 कुंडीय यज्ञ किया है, एक शुभ कार्य से हमने अपने नववर्ष का प्रारंभ किया है। आशा है ये सबके लिए सुखदायक होगा, हमारी शुभकामनाएं हैं सबके साथ। सर, आज जो आर्य समाज का स्थापना पर्व मनाया जा रहा है, हाँ वो भी आज के दिन ही आर्य समाज का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, उसके लिए भी विशेष आहुतियाँ दी थी और यज्ञ संपन्न हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे 101 कुंडली यज्ञ हुआ, आज से हमारे आर्य समाज की शुरुआत हुई है और नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है। जैसा कि सभी लोग अंग्रेजी नववर्ष की तो बहुत शुभकामनाएं देते हैं, हिंदू नववर्ष की बहुत कम देते हैं, तो हम हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। और 101 कुंडली यज्ञ हुआ, बहुत अच्छा हुआ और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत अच्छा लगा जी। तो हमारे साथ में डॉक्टर सत्यकाम जी हैं तो उनसे ही बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। जहां एक तरफ नव वर्ष शुरू हुआ, वहीं पे आज जो है आर्य समाज स्थापना पर्व मनाया गया श्रृंगार नगर में। तो सर जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं सबसे पहले तो श्रृंगार नगर आर्य समाज के सम्माननीय प्रधान और वैदिक विद्वान डॉक्टर रूपचंद दीपक जी और सह संचालक भ्राता गिरिजेश जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनके यत्न से यह आयोजन, जो भव्य आयोजन था, बहुत सफलतापूर्वक अत्यंत अनुशासन के साथ ये संपन्न हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हर्ष में हूँ मग्न सारे शोक सागर से तरें, सारे के सारे लोग हर्ष और प्रसन्नता में बिल्कुल डूब जाएं, भावाभिभोर हो जाएं। और उसका एकमात्र आधार अगर कोई चीज़ है तो वो ये देखा होगा आपने, यज्ञ ही है। यज्ञ ऐसी एक भावना है जो केवल एकांगी विकास को प्रेरित नहीं करता। दिवम चरोय पृथ्वीम चरोय कहते, परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, मनुष्य यज्ञ करते हुए तू रोहित माने सूर्य के समान इसी तरह से ऊर्ध्वगामी बन, चारों से आध्यात्मिक विकास कर, भौतिक विकास कर, राष्ट्रीय विकास कर, वित्त संबंधी विकास कर, और परमपिता परमात्मा से अपना सह संबंध बनाते हुए अपनी आत्मा को उससे जोड़ता रहे। यज्ञ के विधान का एक मुख्य उद्देश्य है। और मैं फिर एक बार ऐसे ही इसी प्रकार के यदि यज्ञ संपूर्ण नगर में होते रहें, यज्ञ में कितनी सादगी थी, कितना अनुशासन था, कितने लोग भावाभिभोर करके आहुतियाँ दे रहे थे, कितने लोग प्रसन्नता में थे, ये यज्ञ की सफलता का परिचायक है। इसका श्रेय एकमात्र अगर जाता है तो डॉक्टर रूपचंद दीपक जी और उनके सहयोगी मंडल को, आर्य समाज श्रृंगार नगर के सारे के सारे महानव जी वगैरह समस्त पदाधिकारियों को जाता है। जलपान की व्यवस्था आप सामने देख रहे हैं, कितना लोग अनुशासन के साथ ले रहे हैं, ये निश्चित रूप से इस अनुष्ठान में अत्यंत सफलता प्राप्त हुई। मैं आज नववर्ष पर उन सहित समस्त पदाधिकारियों का, सहभागियों का के प्रति मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद। तो शरद जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नवरात्रि भी शुरू और नववर्ष भी शुरू हुआ है? नमस्कार, मैं कर्नल शरद शुक्ला, सर्वप्रथम मैं आपके सारे दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि एक नववर्ष बनाया जाता है जो जिजोरियन कैलेंडर वर्ष की तरह है, जो कि 1 जनवरी से चालू होता है, लेकिन उस नववर्ष की कोई ऐसी महत्वता नहीं है, कोई उसमें ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, कोई मास परिवर्तन इस तरीके से नहीं होता है जिससे कि कुछ समझा जाए, और समय भी इतना ठंडा होता है कि उसको ठीक से बनाने की जगह रात्रि में बनाया जाता है। जबकि आप ये जो नव संवत्सर जिसको हम कह रहे हैं, जो अभी विक्रमी संवत के हिसाब से 2081 हो गया है,
और सृष्टि का भी रचना इसी दिन हुई थी, जो आज जो है सृष्टि 1,86,00,000 पुरानी हो चुकी है। तो इस चीज़ को आपके दर्शकों को सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि नववर्ष जो है सृष्टि की स्थापना से बनना है, ना कि किसी मनुष्य के आने के बाद और कोई किसी धर्म के कारण हो रहा है। ये सृष्टि की स्थापना का है। सृष्टि की स्थापना के दिन ही हमारे जो स्वामी दयानंद जी हुए, उन्होंने उसी दिन आर्य समाज की स्थापना करी, जिसमें कि जो सनातन धर्म है उसके बारे में, जो श्रेष्ठतम धर्म है उसके बारे में लोगों को पता चले। तो ये कुछ दो शब्द मैंने नववर्ष के विषय में कहे, उससे उपरांत अभी आते हुए कि हमें इसको किस तरीके से बनाना चाहिए। इसे हमें सूर्य उदय के साथ बनाना चाहिए, जो कि सही तरीका है। और ये ऋतु परिवर्तन भी है, जैसे आपको पता है कि अभी जो है ऋतु शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु के बाद अब वसंत ऋतु ख़त्म होने वाली है और ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, ऋतु परिवर्तन है। साथ ही साथ हमारा जो अन्य होता है, जो अनाज है, वो भी पक गया है और उसके बाद हम उस अनाज को यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये पर्व जो संवत्सर जो बना रहे हैं हम, इसका बहुत ही महत्व है। और इसको मनाने का तरीका जो सबसे ही बेहतरीन तरीका है कि सब ब्रह्म यज्ञ करें, देव यज्ञ करें, और इधर हम यज्ञ करते हुए सब लोग साथ में बनाएं। तो जिन लोगों ने ये बनाया है श्रृंगार नगर की तरफ से, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने किया, हम सब लोगों को साथ लाए और हम सब कर रहे हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ में कर्नल अनिल आहूजा जी भी हैं, तो उनसे बात करेंगे, किस क्या कहेंगे कि आज जो है नव वर्ष की जो शुभकामनाएं हैं और साथ में आर्य समाज का स्थापना दिवस ही मनाया जा रहा, साथ में 101 कुंडली यज्ञ भी हुआ, तो आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले मैं आचार्य रूपचंद्र दीपक, जो कि हमारे उच्च विद्वान हैं, वो उन्होंने ये सारा अरेंज किया और उनके संचालन में हमने इतना बड़ा भव्य ये प्रोग्राम आज देखा, जिसमें वेदों के मंत्रों के साथ हमने नए वर्ष का, जो कि हिंदुओं का हमारे वेदों के अनुसार जो नव वर्ष है, जिसमें बसंत जो है नए पत्ते आ रहे हैं, नए फूल आ रहे हैं, तो ये असली नव वर्ष है, ना कि वो अंग्रेज़ों की गुलामी का पहले जनवरी से कंपैरिजन में, ये असली हमारा है। और हमने वेदों के मंत्रों के साथ इसको मनाया है और आज बहुत ही प्रफुल्लता उत्साह है सब में, तो मैं इस सबके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ओम शम। जो युवा देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भारतीय नववर्ष के लिए? उनको भी वेदों की तरफ लौटना चाहिए, जो हमारा ये वैदिक सनातन धर्म है, जिसमें हमें वो वेदों से ओतप्रोत होना चाहिए, वेदों के मंत्रों के साथ हमें उच्चारण, सही उच्चारण करना चाहिए और इसको बनाना चाहिए, और पखंडों को छोड़ के हमें वेदों की तरफ चलना चाहिए। और ये जो हमारी सनातन धर्म है, हमारा वैदिक सनातन धर्म है, हमारे बच्चों को नए संस्कार देने, अच्छे संस्कार देने चाहिए, यही मैं युवाओं को ये संदेश देता हूँ। धन्यवाद। तो हमारे साथ में उर्मिला जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि वैदिक जो नववर्ष शुरू हुआ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। वैदिक नव संवत्सर 2081 आर्य समाज स्थापना पर्व, उसी के उपलक्ष में 101 कुंडी यज्ञ रचाया गया और आचार्य जी ने हमको पहले से ही सम्मानित करने के लिए, प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मैसेज भेजा और कहा कि आपका सम्मान होगा। तो आर्य समाज में जो है हमारा सम्मान आचार्य पंडित रूपचंद दीपक जी ने किया, लेकिन हमें अंतर से ये लगा कि जो इतना बड़ा विद्वान है, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है, और हम लोगों जैसे सामान्य मानव के लिए इतना स्नेह रखता स्त्री के लिए, तो ये बहुत गौरव की बात है, ये उनकी महानता की बात है। परमात्मा उनको अंतर्राष्ट्रीय जो है उन्नति करने में सहायक हो। धन्यवाद। जिस तरह से हमने यहाँ पे आए हुए लोगों से बात करा कि यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है,
वैदिक राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए और जो हमारा भारतीय नववर्ष यानी कि हमारा जो हिंदू नववर्ष शुरू हुआ और साथ में आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है श्रृंगार नगर आर्य समाज के द्वारा। तो हमारे साथ में डॉक्टर रूपचंद दीपक जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, क्या कहेंगे। जिस तरह सुबह 7:15 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया था, 101 कुंडलिक महायज्ञ भी हुआ और साथ में लोगों को जागरूक भी करा जा रहा है कि हमारा हिंदू नववर्ष आखिर है क्या, तो उसी को लेकर के हम आचार्य डॉक्टर दीपक जी से बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। ये जो हमारी वैदिक संस्कृति है और भारत संस्कृति है उसमें इस दिन का विशेष महत्व है। ये जो आज का दिन है जो वर्ष प्रतिपदा कहलाती है, वास्तव में सृष्टि निर्माण का दिवस है। इस दिन सृष्टि रची गई थी परमात्मा के द्वारा और फिर ये तब से चली आ रही है। तो प्राचीन काल से इस दिवस को हम मनाते रहे हैं और अब कुछ वर्षों से सन 2008 से हमने ये प्रारंभ किया है कि ये लखनऊ के आलमबाग में ये श्रृंगार नगर एक कॉलोनी है उसमें ये पार्क है, इस पार्क में हम कर रहे हैं सन 2008 से। तो ये 17 बार इसमें आज हम कर चुके हैं। इसमें हम 101 कुंडीय यज्ञ करते हैं, 101 कुंड लगाते हैं और उसमें 300-400 लोग आकर के और सामान्य मंत्रों से यानी दैनिक आहुतियां देते हैं, साप्ताहिक और वार्षिक आहुतियां देते हैं, पर्वों की भी आहुतियां देते हैं। ये नववर्ष का पर्व है, इसको वैदिक नववर्ष कह सकते हैं, इसको भारतीय नववर्ष कह सकते हैं। हमारा नववर्ष तो यही है, वैसे ये प्राकृतिक नववर्ष है क्योंकि सृष्टि के निर्माण से लेकर के है, तो प्राकृतिक होने के कारण ये सभी का है। कोई दूसरा नववर्ष प्राकृतिक नहीं है, वो लोगों ने अपने संप्रदाय के आधार पर या अपने देश के आधार पर निर्धारित किया हुआ है, उसका भी आदर है, सम्मान है और उसको भी मनाते हैं। लेकिन संसार में सभी चीज़ों का अपना महत्व होता है और इस दिन का महत्व ये है कि प्राकृतिक नववर्ष है। पृथ्वी की चाल शुरू होती है नवचक्र में प्रवेश करती है पृथ्वी, तो उस हिसाब से ये वैदिक नववर्ष है। तो 101 कुंडीय यज्ञ हम प्रतिवर्ष करते हैं, आज भी किया, लोग आए, अभी यज्ञ पूरा हुआ है। हमने लोगों को प्रेरणा भी दी कि नववर्ष की शुरुआत से आप अपने संकल्पों को शुद्ध कीजिए, सत्य बोलने का, परिश्रम करने का, देशभक्ति और प्रभुभक्ति की भावना का, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति को साथ साथ लेके चलने का जो संकल्प होता है उसको आप शुद्ध कीजिए, फिर दृढ़ कीजिए, फिर परमात्मा की कृपा से वो पूर्ण भी होगा, ताकि हमारा व्यक्तिगत जीवन भी सुख शांति से युक्त हो, हमारा समाज भी समरसता से युक्त हो और हमारे देश की भी उन्नति हो। और जो कि स्वप्न देखते हैं आजकल के जो चिंतक वर्ग हैं कि पूर्व की भांति ये भारतवर्ष सिरमौर बने, विश्व का गुरु बने, क्योंकि ये गुरु तो था लेकिन तब था जब वेद का पठन पाठन होता था, अब ये कुछ रुक गया है तो फिर से वेद का पठन पाठन शुरू हो, हमारी दैनिक चर्या में आए। और सोने की चिड़िया भी ये था, तो हम सब लोग मिल करके परिश्रम करेंगे, ढंग से परिश्रम करेंगे, नियम अच्छे होंगे, नियमों का पालन होगा तो सोने की चिड़िया भी ये बनेगा। शक्ति में भी ये सर्वोपरि था, तो हम संयम का व्यवहार करेंगे, खान पान सही रखेंगे और मन बुद्धि को मिला करके कार्य करेंगे तो हम विजय भी उसमें प्राप्त करेंगे। तो सभी तरह से ये शुभकामना के लिए हम मनाते हैं और सबको ये वैदिक और भारतीय नववर्ष की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जो युवा देख रहे हैं आपको और जो 1 जनवरी को हमारा नया वर्ष मनाते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय नववर्ष को भूले हुए हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नववर्ष उसको कहते हैं जो नए वर्ष की शुरुआत हो। वर्ष का मतलब है जब पृथ्वी जो सूर्य का चक्र लगाती है, तो जब चक्र शुरू होता है तो चक्र शुरू तो हो रहा है आज, तो वास्तविक नववर्ष तो ये आज है। ये तो यूरोप ने जो उनके महामानव ईसा मसीह साहब हैं तो उनके जन्म के आसपास रख करके 1 जनवरी से उन्होंने शुरू किया है, तो उसका भी हम आदर करते हैं, लेकिन उसको आप यूरोप का नववर्ष कह सकते हैं, उसको ईसाइयों का नववर्ष कह सकते हैं, उसको बहुत सारे लोगों का नववर्ष कह सकते हैं, लेकिन वो सबका नहीं हो सकता। सबका तो वही है जो प्राकृतिक है और पृथ्वी नए चक्र में प्रवेश कर रही है। और भी लोग अपने, जैसे इस्लाम धर्म है, इतना महान धर्म है, दुनिया में इतने लोग उसको मानते हैं, इतना संगठित है वो, तो उसका भी अपना पंचांग है, वो अपने हिसाब से नववर्ष मानता मनाता है। सिख लोग हैं भाई हमारे, वो अपने हिसाब से मनाते हैं। और जो अन्य भी संप्रदाय हमारे देश में, तो
विश्व के सभी संप्रदाय हैं एक प्रकार से, और उन सब की अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी आस्था है, उसके अनुसार उनके जीने का ढंग, अपनी पद्धति है, उसके अनुसार सब वो अपने अपने नववर्ष मनाते हैं। तो हम सबका आदर करते हैं, लेकिन सबका नववर्ष तो ये है, प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है, और ये सबका है। तो वास्तव में ये है, एक जनवरी को अगर आप बोलें तो आप ऐसे बोलिए कि 2024 मंगलमय हो आपके लिए, आज के लिए आप बोलिए नववर्ष मंगलमय हो, ये दोनों में फर्क है। तो ये थे हमारे साथ में आचार्य डॉक्टर रूपचंद दीपक जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छा विस्तारीकरण किया कि किस तरह से जो भारतीय नववर्ष है, जहाँ प्रकृति भी बताती है कि हमारा नया वर्ष शुरू हो रहा है, वहीं आज नवरात्रि का पहला दिन भी है और साथ में मनाया गया जो है भारतीय नववर्ष मनाया गया और साथ में मनाया गया आर्य समाज का स्थापना पर्व भी मनाया गया। तो आज हम लोग आपको लेकर के आए थे श्रृंगारनगर, यानी श्रृंगारनगर आर्य समाज मंदिर में लेकर के आए हुए थे, जहाँ पर भारतीय नववर्ष के लिए और भारतीय नववर्ष के आगमन के लिए सुबह से 101 कुंडलिक महायज्ञ हुआ, जहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे, साथ में हमारा भारतीय नववर्ष भी मनाया गया और इसके साथ में जो है आर्य समाज का स्थापना पर्व भी मनाया गया। पिछले 17 सालों से इस तरह से डॉक्टर आचार्य रूपचंद जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम ऐसे आगे बढ़ता रहता है, जहाँ पर हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए और हिंदुत्व की स्थापना के लिए जो है जो आर्य समाज आगे से आगे निरंतर कार्य करता रहता है। वैसे ही आज जो है हमारा भारतीय नववर्ष शुरू हुआ, जिसको लेकर के आर्य समाज के द्वारा, यानी कि आपका श्रृंगारनगर आर्य समाज के द्वारा 101 कुंडलिक महायज्ञ का आयोजन हुआ और साथ में मनाया गया आर्य समाज का स्थापना पर्व मनाया गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल साथ में। ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि आर्य समाज किस तरह से हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।